चूड़ी कंगन वाली चूड़ी कंगन वाली। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई शाम हो गया है भाई, खाना वाना हो रहा है यहाँ पे, दिन में ही हो गया, बाकी कपड़े वपड़े उड़ाने का प्रोग्राम तो खाना मैं खा लिया है मैंने। अब भाई मेरी नानी के जा रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। फजी वो बैठे हार्दिक को खिला रहे हैं। गाइस अब हम लोग खेड़ी जा रहे हैं। गाइस हम खेड़ी पहुंच चुके हैं और एक चीज ने रहा हूँ लाइट को मेरे अच्छा माचर को इधर आए थे गाड़ी पे, क्या लेना है हम लाडू लेवा आया था लाडू पूरा हम तो छोड़ो तो अंधेरा इतना हो रहा है अकेला आदमी करो मूड कर जाए डर के मारे सही में मैं अकेला आदमी का तो मतलब ही नहीं बनता भाई, अंधेरा अंधेरा हो रहा पूरे में। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है ना घर से, इसलिए मम्मी आई है मेरे साथ। कौन से तू हैं? तू क्या कह रहा है? अभी हम मामी के घर हैं, सुबह मिलाऊंगा मैं नाना नानी सबों से, सबको दिखाऊंगा, तो गुड नाइट। सुबह हो गया तो गाइस चाय रखी है अपनी चाय, और भाई देख रहे हो टाइम हो गया कितना, 6:30 टाइम हो रखा है, और भाई सूरज देख रहे हो एकदम सर पे चढ़ रखा भाई, इसलिए गांव गांव है और शहर शहर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो पानी है सारा खेतों में, ये सब बारिश का पानी है, यहाँ पे हर साल का पंगा है, ये बहुत पानी पानी है। नाना नानी के जा रहे हैं, नाना नानी के हम पहुंच गए। मैं तो कब का उठ गया था, मैं तो बैठा और हम नानी के भी पहुंच गए। गाय जी देखो सांप काटने का हुआ था, ये है मेरे दो चार जहरीले दुश्मन, उन्हें भी साड़ों को इसी से काट दूंगा भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी कर दिया सुसु, अरे सुसु कर दिया सारे नींबू के थोड़ी। नींबू का पेड़ उग गए, मिट्टी भी तो फिर उपजाऊ होती है। शाम तो आए नहीं हुए हैं, डाले काट दिए गुहार बांध रहे थे कुमारी फड़ा दी, गुहार की फड़िया नाना से बात करते हैं। हाँ बोलो नाना, बोलो कौन से? नहीं आप बोलो ना, ओ सुन रहे नहीं कहते नहीं भाई, इतना बड़ा बैग थमा दिया मुझे, चूड़ी कंगन वाले बना दिए मैंने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चूड़ी कंगन वाले हैं, चूड़ी कंगन वाले हैं। ये हमारी मामी है और इनकी एक परचून की दुकान है, साथ साथ में पंटियो सीसी और क्या देसी ठहरे का भी बिजनेस है, इंग्लिश हाँ इंग्लिश की भी है। ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट हाँ। और वैरायटी भी काफी सारी है, जिसको चाहिए हो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आगे प्रमोशन कर दूंगा इनका भी। भाई सब हम इधर आ गए हैं मशाणे बेरुके घाट के, हमारे मान क्या है तो इस वजह से हार्दिक की
धार बोल रखी थी पापा ने, वो चढ़ाने आए हैं। और ये मामा है जो लोगों की सेवा करते हैं सबसे ज्यादा। और ये यहाँ की पानी की टंकी। गाइस ये देखो शमशान घाट में ही है मशाना भैरू का स्थान। लेकिन गाइस इस शमशान घाट की एक खास बात है कि यहाँ चाहे अकेला बंदा भी आया ना लेकिन डरने वाले भाई कोई बात नहीं, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं होता है यहाँ पर, ये खासियत है भाई। वो खड़ी अपनी राज दुलारी। पचास रुपये का दे दो। पैसे दूंगा फिर मैं थोड़ी दे रहा हूँ बुड्ढा। सही देना। हैंड ब्रेक ले लो। निकल चुके हैं खीरनी से, अब हम भाभी के घर जा रहे हैं बोड़ी। तो ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।